पाकिस्तान की फायरिंग से सीमा से सटे लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी की वजह से राजौरी में बॉर्डर इलाके के 84 स्कूल बंद करा दिए गए हैं। पिछले 90 मिनट में 27 मोर्टार गोलीबारी हो चुकी है। जी हां, और ये जम्मू के सांबा, रामगढ़, अरनिया में रात भर से पाकिस्तान धुआंधार फायरिंग कर रहा है। और पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत की एक बड़ी खबर, सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय चरम पर है। पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से जिस जगह पर हमें रोका गया है, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नाका लगाया है और इस नाके के आगे किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसके आगे से जो है डेंजर जोन शुरू हो जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान लगातार बम गिरा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, भारत की हिंदुत्व सेना और गोदी मीडिया की मुकम्मल फरियाद और आहो पुकार आप वीडियो के आखिर में मुलाहिजा फरमाएं, जिसमें पाकिस्तानी फौज की तरफ से भारत की हिंदुत्व सेना पर गुजरी हुई कयामत का सारा हाल खुद ही भारतीय मीडिया के जुबानी सुनिए। फिलहाल इस हमले की असल वजह जान लीजिए कि 28 तारीख को कश्मीर के आजादी पसंदों ने 5 भारतीय फौजियों को ठिकाने लगा दिया था, जिसके बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा में एक जाली इनकाउंटर किया, जिसमें मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया था, और पाकिस्तानी सरहद पर भी फायरिंग की, जिससे वादी नीलम और वादी जेहलम में 2 शहरी शहीद हुए और 1 फौजी भी शहीद हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तानी फौज ने एहतजाज और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग को जूते की नोक पर रखते हुए चीनी साम्राज्य के अंदाज में ताबड़तोड़ और भयानक अंदाज में भारतीय सेना को दिन में तारे दिखा दिए। 25 फौजियों को मार डाला, जबकि 11 पोस्टों की ईंट से ईंट बजा डाली। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सिपाह के इस मुंहतोड़ जवाब से डरी और सहमी हुई हालत में बॉर्डर के करीब देहात खाली करवा लिए। चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तान की इस भयानक कार्रवाई पर बयान जारी किया है कि पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है, चीन हर किस्म के हालात में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ताहम यहाँ भी भारत ने अपने इबलीसी दिमाग को इस्तेमाल कर लिया। भारत ने एक तो 84 स्कूल बंद करवा दिए और बॉर्डर के करीब मौजूद देहात को भी खाली करवाने का काम शुरू कर दिया, सिर्फ आलमी मीडिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए, और पाकिस्तानी फौज को एक जारे मिजाज और जालिम फौज के तौर पर बदनाम करने की कोशिश की, और अपनी आवाम और आलमी मीडिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि हमारा फौजी नुकसान बहुत कम हुआ है, दरअसल हमारे सिविलियन को पाकिस्तानी फौज मार रही है, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं, ताकि दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की जनता को रगड़ा लगा रहे हैं। इसलिए भारत ने 29 शहरियों के मरने की खबर भी चलाई और भारतीय फौजियों की चिताओं को छुपाने के लिए और अपनी बर्बादी को मख्फी रखने के लिए पिछले 5 दिन से मकबूजा कश्मीर और बॉर्डर के करीबी इलाकों में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया हुआ है। ये भी आप भारतीय मीडिया के जुबानी मुलाहिजा फरमाएं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कुछ भारतीय चैनल 8 फौजी और 1 अफसर, तो कुछ 3 फौजी और 1 कैप्टन, और कुछ भारतीय चैनल 15 फौजी और 3 अफसर बता रहे हैं, जबकि हकीकत में आलमी मीडिया और पाकिस्तानी फौज के मुताबिक 25 फौजी हैं और जिनमें 3 अफसर शामिल हैं। 11 पोस्टें तबाह की गई हैं, जबकि सिर्फ 5 सिविलियन अमवात हुई हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान इससे पहले भी भारत को किसी किस्म की शरंगेजी का जवाब देने में कंजूसी से काम नहीं लेता था, ताहम इस बार पाकिस्तान का अंदाज मुख्तलिफ था। हथियार भी बड़े इस्तेमाल किए गए, बख्तर शिकन मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए और हैवी आर्टिलरी का भी तबाहकुन इस्तेमाल किया गया, जो कि आम हालात में नहीं किया जाता। अब आप भारतीय मीडिया की आहो पुकार मुलाहजा फरमाएं। और पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत की एक बड़ी खबर, सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस समय चरम पर है।
पिछले 90 मिनट में 27 मोर्टार गोलीबारी हो चुकी है जी हां, और ये जम्मू के सांबा रामगढ़ अरनिया में रात भर से पाकिस्तान धुआंधार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, सिर्फ अरनिया शहर में पिछले 90 मिनट में पाकिस्तान के 27 मोर्टार शेल्स गिरे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां है बीएसएफ की चौकी और कहां से पाकिस्तानी बंकर्स के जरिए लगातार फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें जो इस बात की बानगी हैं, ये फायरिंग जो है वो अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में लगातार हो रही है। जम्मू के सांबा और अरनिया सेक्टर में फायरिंग कर रहा है। हम इस समय अरनिया सेक्टर में हैं। करीब रात भर यहां फायरिंग हुई है, लेकिन अभी सुबह 8 बजे से यहां जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। जिस जगह पर हमें रोका गया है, यहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नाका लगाया है और उस नाके के आगे किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसके आगे से जो है डेंजर जोन शुरू हो जाता है जहां पर पाकिस्तान लगातार बम गिरा रहा है। आप देख सकते हैं न सिर्फ अरनिया बल्कि जो जम्मू के जो सांबा सेक्टर है वहां पर भी फायरिंग की। पुलिस फिलहाल किसी को नहीं जाने दे रही क्योंकि लगातार यहां 2 घंटे से पाकिस्तान बम गिरा रहा है। अभी पाकिस्तानी गोलाबारी रुकी नहीं है, वो अभी भी गोलाबारी कर रहा है और तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। जबरदस्त अफरा तफरी, धुआं उठता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर तंगथा, उरी, केरन और गुरेज सेक्टर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान, गोलीबारी पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे में रिहायशी इलाकों की तरफ भी पाकिस्तान की ये फायरिंग। इसी के चलते जो लोग हैं उन्हें बंकर्स में भेजा गया, बंकरों ने बचाई कई लोगों की जान। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में 1 कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग से सीमा से सटे लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये शख्स कैमरे पर पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी बता ही रहा था कि सरहद पार से गोलीबारी तेज हो जाती है। धमाके की आवाज सुनकर ये सहम जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कल सुबह 8 बजे से ही पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल के लिए निकले बच्चे पाकिस्तान की फायरिंग में फंस गए। पहले तो वो पहाड़ियों में छिपकर बचने की कोशिश करते रहे और फिर मौका देखते ही भाग कर जान बचाते हैं। नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी की वजह से राजौरी में बॉर्डर इलाके के 84 स्कूल बंद करा दिए गए हैं और 84 जो स्कूल्स हैं इस इलाके में वो आने वाले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इसके बाद जो भी प्रिकॉशन करने की जरूरत है या जो भी स्टेप्स लेने की जरूरत है इमरजेंसी रिस्पांस के लिए वो हम लेंगे। सिर्फ राजौरी ही नहीं, पुंछ में भी पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। गोलीबारी की चपेट में पुंछ के कई गाँव भी आ गए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ पे सुबह से फायरिंग चल रही है और यहाँ पे काफी दहशत का माहौल है। अचानक से फायरिंग आ गई और पाकिस्तान की फोर्स ने मतलब फायरिंग स्टार्ट कर दी और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस साल अब तक 100 से ज्यादा बार पाकिस्तान सीज फायर तोड़ चुका है। पिछले साल पाकिस्तान की फायरिंग में 61 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान पहले तो सेना पर फायरिंग करता है, मासूमों को निशाना बनाता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक और युद्ध चाहता है? खबरें हमारे पास आई है उसके अनुसार सब जगह पे इस समय भी गोलीबारी जारी है। गुरेज की बात करें तो बगदोर के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा मोर्टार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जो गांव है इंजमर्ग और बगदोर में वहां पे टारगेट करके की जा रही है, जबकि केरन यानी करना सेक्टर और कुफवारा में टंगडार सेक्टर्स में भी इस समय भी भीषण गोलीबारी हो रही है। केरन और टंगडार में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है ताकि यहां पे कुछ विजुअल जो है जिसके बाहर आने की आशंका जताई जा रही थी सुरक्षा बलों की तरफ से, इसीलिए इस पूरे कुफवारा के करना, केरन और टंगडार सेक्टर्स में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, जबकि बारामूला के उरी सेक्टर में भी हाजीपीर के आसपास के इलाकों में इस समय भी गोलीबारी की खबरें आ रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग में 1 कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग से सीमा से सटे लोगों में दहशत का माहौल है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, स्कूल 3 दिन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।